दोस्तों नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव की रणभेरी जल्दी ही बच सकती है। अगर आप कहें तो तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव जिसके अंदर की हरियाणा में दोनों पार्टियां बराबर रही, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने 5-5 सीटें लोकसभा की जीत ली। भारतीय जनता पार्टी को जहां 5 सीटों का नुकसान हो गया, तो कांग्रेस वहां 5 सीटों के साथ हरियाणा में अपना खाता खोलने में कहें या बढ़त बनाने में कहें सफल हो गई। अब विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो जननायक जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल है, आम आदमी पार्टी है, सभी ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी की कल करनाल में बैठक हुई, जिसके अंदर हालांकि स्थिति बहुत गंभीर हो गई, लेकिन तैयारियां शुरू उनकी भी हैं। वो चाना में पहुंचे थे, दुष्यंत चौटाला तैयारियां हों दुष्यंत चौटाला की भी हैं। अभय सिंह चौटाला हरियाणा के हर जिले में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं, तैयारियां उनकी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आज यानी कि बुधवार को दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठकें चल रही हैं दोनों की समानांतर, और दोनों का लक्ष्य यही है कि किस प्रकार से हरियाणा के अंदर काबिज हुआ जाए। अब जो 2024 का दोस्तों विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि किस प्रकार से हैट्रिक बनाई जाए। कांग्रेस के लिए चुनौती है कि किस प्रकार से वापस शासन में अपना कब्जा किया जाए, वापस सत्ता में आया जाए। जननायक जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि जो 10 सीटें उनको मिल गई थी 2019 के विधानसभा चुनाव में, वो प्रदर्शन कैसे दोहराएं। इंडियन नेशनल लोकदल के सामने चुनौती है कि अपने राजनीतिक सूखे को खत्म कैसे करें। आम आदमी पार्टी के लिए भी चुनौती है कि हरियाणा के अंदर खाता कैसे खुले। मतलब सभी के लिए अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक राजनीतिक दल, जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के लिए बड़ी चुनौतियां और भी हैं। गंभीर चुनौती इन दोनों राजनीतिक दलों के लिए ये है कि दोनों ही पार्टियों के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान कैंडिडेट्स ने भीतरघात की शिकायतें की। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने आलाकमान को जो रिपोर्ट दी, उसके अंदर ये कहा कि पार्टी के अंदर जयचंद आ गए हैं। अब बड़ा मुद्दा यही है कि दोनों पार्टियों के लिए बड़ी समस्या यही है, हालांकि जो लोकसभा का चुनाव हुआ, अगर इनको विधानसभा सीटों पर माने तो कांग्रेस, जिसके साथ की आम आदमी पार्टी भी थी, इंडिया गठबंधन था, वो 46 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों पर आगे रही, यानी कि मुकाबला कांटे का रहा। जो 46 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे रहा, उनमें 43 पर कांग्रेस आगे थी, 3 पर आम आदमी पार्टी आगे थी। अब बात आ जाती है कि विधानसभा चुनाव के लिए, और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा खासकर कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा उत्साह की स्थिति भी है, और मानो तो उनके अंदर एक कंडीशन ऐसी आ गई है कि अगला कदम बड़ा फूंक फूंक कर रखा जाए। कांग्रेस के अंदर बड़ी गंभीर स्थिति ये है कि उनमें जोश भी है, उत्साह भी है कि भाई 5 सीट जीत गए लोकसभा की, 43 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस आगे रही और उनके समर्थन से 3 पर आम आदमी पार्टी आगे रही, ये वाला जोश और उत्साह भी है। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के बोल बेबोल हो रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ रहे हैं, उसको लेकर के भी कांग्रेसियों के अंदर कहीं ना कहीं चिंता भी है और मंथन की बात भी है। साथ साथ ये भी देखना है कि आखिर पार्टी के अंदर रह करके किन नेताओं का दम घुट रहा है, किन को सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप इसे कुछ यूं माने दोस्तों कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदयभान, और हरियाणा में कांग्रेस के CLP लीडर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप इन तीनों की मान सकते हैं कि इस समय बढ़िया तिकड़ी बनी हुई है, और एक तिकड़ी सामने थी कभी, उस तिकड़ी के अंदर थे कुमारी सैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला। उस तिकड़ी में से एक नेता पार्टी छोड़कर बाहर चली गई, किरण चौधरी। किरण चौधरी के पार्टी छोड़कर जाने के बाद जिस प्रकार से सैलजा के बयान सामने आए, कुमारी सैलजा सिरसा से सांसद बनी हैं, बड़े भारी अंतर से चुनाव जीती हैं, सिरसा लोकसभा की 9 सीटों पर उन्होंने फतह ली, जीत हासिल की। लेकिन कुमारी सैलजा लगातार कह रही हैं कि सीटों का वितरण ठीक नहीं हुआ, पार्टी की टिकटों का वितरण ठीक नहीं हुआ। कह रही हैं कि अगर टिकट वितरण ठीक होता तो फिर रिजल्ट कुछ और होते हैं। जिन टिकटों का वितरण ठीक नहीं हुआ, कुमारी सैलजा कहती हैं,
उनमें राज बब्बर की सीट भी है, लेकिन राज बब्बर को टिकट तो पार्टी के आला कमान ने भी दिया। कांग्रेस के आंतरिक सूत्र बताते हैं कि राज बब्बर जितनी पसंद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थे, उतनी ही पसंद वो कांग्रेस आला कमान के थे। कुमारी सालजा कहती हैं कि जयप्रकाश के टिकट भी ठीक नहीं दिया गया था, लेकिन जयप्रकाश तो बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। कुमारी सैलजा अपनी बातों में इशारों में कहती हैं कि सोनीपत की टिकट भी सही नहीं दी गई, लेकिन सोनीपत में तो पार्टी चुनाव जीत गई। कुमारी सैलजा इशारों में भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करती हैं, कहा करती हैं कि वहां पर किरण चौधरी के साथ अन्याय तो हुआ, लेकिन किरण चौधरी की वजह से पार्टी के लोग कहते हैं कि किरण चौधरी की वजह से ही भिवानी की सीट हार गई। तोशाम की विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, कांग्रेस के कैंडिडेट रावदान सिंह तोशाम में हारे। भिवानी में हारे तो हारे, तोशाम में भी हारे। बड़ी समस्या ये थी कि अगर वो तोशाम में हार रहे हैं तो फिर समस्या तो बड़ी बन जाती है। और आखिर किस लिहाज से फिर किरण चौधरी दावा करती थी? खैर, किरण चौधरी कांग्रेस के लिए बीते जमाने की बात हो गई, लेकिन किरण चौधरी के साथ जो कुमारी सैलजा का जो स्नेह था, प्रेम था, प्यार था, वो कहीं ना कहीं उनको टीस रहा है आज भी। और कुमारी सैलजा के जो लगातार बयान आ रहे हैं, वो निशाने पर ले रही हैं उदय भान को भी, निशाने पर ले रही हैं दीपक बावरिया को भी, निशाने पर ले रही हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी। अब चुनाव के 3 महीने पहले अगर ये वाली स्थिति है तो फिर कैसे काम चलेगा? बड़ी बात आएगी कि जब ये वाली स्थिति रहेगी तो फिर किस प्रकार से एक मत होकर चुनाव मैदान में उतर पाएंगे। और अगर यही स्थिति है तो फिर 2024 का जो अभी हाल का लोकसभा चुनाव गया, स्थिति तो उसमें भी यही थी। कुमारी सैलजा के पक्ष में प्रचार करने के लिए ना दीपक बावरिया पहुंचे, ना वहां पर उदय भान गए, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा सिरसा में गई तो वहां पर भी बड़े नेता नहीं थे। अब सिरसा की बात से अगर आगे चलें तो हिसार में जेपी कहते हैं, जयप्रकाश कहते हैं कि मेरे यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए ना कुमारी सैलजा आई, ना किरण चौधरी आए, ना रणदीप सुरजेवाला आए। ये भी बड़े नेता हैं, और अगर माने तो सैलजा का और रणदीप सुरजेवाला का हिसार लोकसभा के अंदर असर भी है, लेकिन वो अपनी बात करते हैं, अपनी शिकायत देते हैं। शिकायत तो फिर जो बाकी कैंडिडेट हैं जो हार गए चुनाव में, वो भी कर सकते हैं। करनाल वाले कैंडिडेट दिव्यांशु बुद्धिराजा की परेशानी है कि उनके साथ भीतरघात हुई थी। अब ये तमाम सारी बातें हैं जो कि कांग्रेस को सोचने को मजबूर करेंगी कि आखिर उनका विधानसभा चुनाव कैसे सफल होगा। और अगर गुटों में बटी हुई कांग्रेस इसी प्रकार चलती रही, भले ही लाख दावा करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भले ही लाख दावा करें उदय भान और दीपक बावरिया कि बिना संगठन के भी जीत हो जाती है, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब तक पार्टी के अंदर आपसी मतभेद कम ना हो, समाप्त ना हो, तब तक समस्या रहती है। आज किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ चुकी, अगर किरण चौधरी का राग ही अलापती रहेंगी कुमारी सैलजा, आज तक भी वो कहती हैं, तो फिर समस्या तो होगी। कुमारी सैलजा कहती हैं कि जो आपके पास हैं उनको संभाल लो, बाकियों को बाद में देख लेना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है कि वो कुनबा बड़ा कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग, पहले वो कहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में शनई शनई उन्होंने लोगों को कांग्रेस में ज्वाइन करवा दिया, कई पूर्व विधायक, कई पूर्व मंत्री, कई बड़े नेता। अगर आगे चलें तो फिर कांग्रेस के अंदर और बहुत सारे अब नेता हैं जिला लेवल पर या जो प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, उनकी अपनी डफली, अपना राग बज रहा है। कैप्टन अजय यादव का मन दुख रहा है अंदर रह करके पार्टी में। कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि अगर मैं कैंडिडेट होता तो मैं चुनाव जीत जाता। अगर आए फरीदाबाद में तो करण सिंह दलाल की वो टीस आज तक खत्म नहीं हुई कि भाई वो कैंडिडेट होते तो चुनाव जीत जाते, लेकिन पार्टी ने महेंद्र प्रताप को दे दिया। अब अगर आप आगे चलें तो आप इतना और समझ सकते हैं, जो लोकसभा चुनाव के लिए मैं आपसे एक उदाहरण के स्वरूप पर फरीदाबाद की लोकसभा की बात आपसे कर लूँ, तो फरीदाबाद लोकसभा सीट पर अधिकांश सीटों पर, जो अधिकांश 9 विधानसभा की सीटें हैं, सभी पार्टी के नेता पूरी तरह से सक्रिय चुनाव में नहीं थे। मैंने एक वीडियो में पहले भी बात कही थी और मैंने ये भी कहा था कि मिसमैनेजमेंट इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। पार्टी के कई ऐसे नेता थे जो साइड रहे, और अगर यही विधानसभा में हुआ, क्योंकि टिकट विधानसभा में भी एक सीट पर एक कैंडिडेट को मिलनी है, और एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट के चाहवान जो लोग हैं, आप कुछ बिरली सीटें छोड़ सकते हैं, लेकिन अधिकांश सीटों पर एक एक सीट पर कई कई लोग हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लोग हैं जो कैंडिडेट बनने के लिए तैयार हैं। अगर लोकसभा वाली स्थिति यहाँ भी आ गई
अगर लोकसभा की स्थिति ही विधानसभा के चुनाव में भी रही तो फिर कैंडिडेट्स को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जब तक कांग्रेस के नेताओं के बीच में जो मनों में मतभेद चल रहे हैं, जो इनके मन और दिमाग अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, जो मैंने आपको उदाहरण स्वरूप कहा कि किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने के एक सप्ताह बाद भी कुमारी शैलजा का मन उन्हीं की तरफ है, तो फिर इन सब बातों को देखते हुए भी तो सोचना पड़ेगा। देखना तो ये भी होगा कि कांग्रेस के पक्ष की सोच रखने वाले कौन से लोग हैं और कांग्रेस के अंदर ही ऐसे कौन से लोग हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचाते हों। इन सब विषयों पर कांग्रेस को गंभीर गहन मंथन करना होगा। अगर गंभीर और गहन मंथन नहीं हुआ तो फिर आप मान करके चलें कि कांग्रेस को संकट भी हो सकता है। भले ही वो विधानसभा का अगर आंकड़ा देखें लोकसभा चुनाव में कि भले ही उसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन हुआ हो, लेकिन वो प्रदर्शन विधानसभा तक कैसे पहुंचे अगर इस पर सोच नहीं बनी तो फिर समस्या हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस की जो गुटबाजी है, क्योंकि आजकल कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं उसमें केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान गुट्टी दिखाई देता है, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है क्या ये विधानसभा चुनाव तक यूं ही चलती रहेगी? आपको क्या लगता है कि क्या अभी कांग्रेस के अंदर और भी ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया, विधानसभा चुनाव के अंदर भी कांग्रेस और बेहतर कर पाएगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।